भारतीय होने के नाते मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि परम पावन जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जब परम पावन जी को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, तो भारत का जो भारत रत्न है वो क्यों प्राप्त नहीं हो सकता है? दोस्तों, नवबुद्धा टच द लेक, उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन परम पावन 14वें दलाई लामा जी को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर 1989 को प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि परम पावन दलाई लामा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है कि परम पावन दलाई लामा कौन है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके पूरे नाम को नहीं जानते हैं। दलाई लामा ये उनका नाम है, शायद लोगों को ये पता है, लेकिन दलाई लामा ये नाम नहीं है, ये एक पदवी है। परम पावन जी को ये प्राप्त हुई थी। ये मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान के सागर, जो विजडम, ओशन ऑफ विजडम जिनको कहा जाता है कि ज्ञान के सागर, तो ये शब्द मंगोलिया द्वारा उनको दिया गया था। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि परम पावन जी का पूरा नाम क्या है। तो परम पावन दलाई लामा जी का नाम जेसुन जम्पेल ङावांग लोबसंग इसे तेंजिन ग्यासो है, ये उनका नाम है। और उनका जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के आमदो प्रांत के तक्षर नामक गांव में हुआ था। तो दोस्तों मैं कहानी पर नहीं जाना चाहता हूँ, उनके किस प्रकार से जन्म हुआ, कैसे वो उनको ढूंढा गया, पाया गया, ये सब आप सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो आजकल बहुत सारे रिसोर्स हैं, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि परम पावन 14वें दलाई लामा जी को ये विश्व का शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्यों दिया गया? शायद बौद्ध अगर जगत की बात करें तो पहले वो व्यक्ति हैं, पहले वो भिक्षु हैं जिनको कि इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, और नोबेल प्राइज जिसको प्राप्त हो जाए तो वो शायद दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान होता है। दोस्तों जब नोबेल कमेटी ने परम पावन जी को पुरस्कार दिया, तब उन्होंने कहा था, समिति इस तथ्य पर जोर देना चाहती है कि दलाई लामा ने तिब्बत की मुक्त के लिए अपने संघर्ष में लगातार हिंसा का इस्तेमाल का विरोध किया है। उन्होंने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है। इसके बजाय उन्होंने अपने लोगों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सहिष्णुता और आपसी सम्मान पर आधारित समाधान की वकालत की है। उसके अलावा कमेटी ने कहा था कि दलाई लामा ने शांति के अपने दर्शन को सभी जीवित चीजों के प्रति श्रद्धा और सभी मानव जाति के साथ साथ प्रकृति को गले लगाने वाली सार्वभौमिक जिम्मेदारी की अवधारणा को विकसित किया है। समिति की राय में दलाई लामा अंतरराष्ट्रीय संघर्षों, मानवाधिकार मुद्दों और वैश्विक पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक और दूरदर्शी प्रस्ताव के साथ आगे आए हैं। ये घोषणा 5 अक्टूबर 1989 में ओस्लो में की गई थी, जब परम पावन जी को पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। हालांकि पुरस्कार 10 अक्टूबर को मिला था, उससे पहले ये कमेटी का विचार था। दोस्तों जब नोबेल पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो उसके साथ साथ धनराशि अर्थात उसके साथ कुछ पैसे भी होते हैं, तो आखिर परम पावन जी ने उस धन का, उस पैसे का उपयोग कहाँ किया होगा? आपको जानकर के हैरानी होगी कि परम पावन जी ने जो भी नोबेल पुरस्कार की राशि प्राप्त हुई उसको अपने पास नहीं रखा, और तुरंत 10 दिसंबर 1989 को ही घोषणा की कि मुझे जो धन प्राप्त हुआ है उसे मैं 4 भागों में बांटना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो पुरस्कार की राशि थी वो विश्व में अलग अलग जगह पर, जहाँ पर भी लोग भुखमरी से पीड़ित हैं, जो लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके लिए उन्होंने समर्पित कर दी। दूसरी धनराशि भारत में कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको दी, कि भारत में अलग अलग जगह पर जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, या अंग्रेजी में जिसको लेप्रोसी कहा जाता है, उससे पीड़ित व्यक्तियों के लिए परम पावन जी ने वो धन दिया। उसके अलावा चौथा जो भाग है
उन्होंने फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दान दिया, उसको सार्वभौमिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने दान दिया। और तब से लेकर के ये संस्थान लगातार निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में अलग 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 लोगों के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है, तो भली भांति संचालित होता रहता है। तो दोस्तों, क्या परम पावन जी को एकमात्र यही पुरस्कार मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। परम पावन जी को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाने वाला मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उसके अलावा परम पावन दलाई लामा जी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों की संख्या में पुरस्कार प्राप्त हैं। तो आप जो परम पावन जी की लाइब्रेरी, परम पावन जी का ग्रंथालय और उनका अभिलेखागार बनाया गया है उसमें देख सकते हैं, वहां पर ये संरक्षित करके रखे गए हैं कि परम पावन जी को क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो परम पावन जी के जीवनी को अगर देखें, उनके इतिहास को अगर देखें, तो उन्होंने कितना ज्यादा कष्ट सहा। 1959 में तिब्बत छोड़ने के बाद जब वो भारत में आए, भारत में रहने के लिए आए, उसके बाद से भारत के अलावा विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे संस्थान उन्होंने खोले, जहाँ पर धर्म का कार्य, सामाजिक कार्य, पर्यावरण का कार्य, बहुत सारे कार्य हुए। इसके अलावा परम पावन दलाई लामा जी सैकड़ों पुस्तकों के रचयिता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी जो सबके लिए हित के लिए, उसमें से जो प्रमुख पुस्तकें जैसे कि यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके अलावा एथिक्स फॉर न्यू मिलेनियम, बियॉन्ड रिलीजन, द ओनली होम, और इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं, अनगिनत पुस्तकें हैं जो सबके लिए हैं, उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा परम पावन जी के इस ग्रंथालय में अगर आप देखेंगे, उनके इस लाइब्रेरी में अगर आप देखेंगे जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, जो जनता के लिए खोला गया है, जिसमें परम पावन जी को कई देशों की एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त हुई है। इसके अलावा बहुत सारे देशों के उनको जैसे कि की कहा जाता है, सिंबॉलिक की, कि परम पावन जी किसी भी देश में जाकर के कभी भी रह सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। इसके अलावा उनको बहुत सारी डॉक्टरेट की, पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त हैं। तो दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि परम पावन जी को अभी तक जितने भी पढ़े लिखे लोग हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिग्रियां प्राप्त हैं, सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हैं। शायद ही विश्व का कोई व्यक्ति होगा कि उनको इतना सम्मान प्राप्त हुआ हो। जब परम पावन जी को ये पुरस्कार दिया जा रहा था तो उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया, कमेटी का धन्यवाद किया और कहा, मैं जो है बहुत ही सिंपल व्यक्ति हूँ, बहुत ही साधारण भिक्षु हूँ, आपने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से परम पावन जी ने कहा। तो परम पावन जी ने जो भी कहा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उस पर देख सकते हैं कि क्या क्या शब्द कमेटी ने कहे, क्या परम पावन जी ने उनसे कहा। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि परम पावन जी ने अपने जीवन की कुछ प्रतिबद्धताएं रखी हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि परम पावन जी की प्रतिबद्धताएं क्या हैं, तो आप मेरे जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो फिर भी मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि जितने भी मानव जाति है उनके अंदर जो मानव मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। आज विश्व में लगभग 8 अरब के आसपास लोग हैं, तो 8 अरब के आसपास लोगों के जो मानव मूल्य हैं, अर्थात हमारी जो करुणा, मैत्री, प्रेम, एक दूसरे के प्रति भाईचारा, इन मूल्यों को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको हम भूल रहे हैं। तो इसके लिए ये जरूर नहीं है कि कोई धार्मिक व्यक्ति हो, धार्मिक में भी वो बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से बहुत सारे करोड़ों की संख्या में ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनको भी सुख चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को भी अपने जो मानव मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और सभी व्यक्तियों को एक परिवार की तरह मानना चाहिए। दूसरी उनकी जो प्रतिबद्धता है कि सभी धर्मों के बीच में सद्भाव हो, जो प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हारमोनी की परम पावन जी बात करते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे झगड़े धर्म को लेकर के होते हैं, ये मेरा धर्म, ये आपका धर्म, ये मैं इस धर्म को ज्यादा मानता हूँ, या फिर मेरा धर्म श्रेष्ठ है, इस प्रकार के विचार लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार के विचार नहीं होने चाहिए।
सभी धर्म का अपना अपना मूल्य है, सबके अपने अपने महत्वता है, तो जो लोग जिसमें खुश रहना चाहता है उसमें रह करके उसका पालन करे। लेकिन जो जो कॉमन चीजें हैं जो सभी धर्मों में कही गई हैं वो सभी लोगों को मानना चाहिए और साथ में लेकर के आना चाहिए, हम सभी धार्मिक व्यक्तियों को साथ आना चाहिए, ये परम पावन जी का है और जो विचार है, और धर्मों के बीच में सामंजस्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग परम पावन जी के पास आकर के विभिन्न समुदाय के विभिन्न पंथ के लोग उनके पास आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। तीसरी उनकी प्रतिबद्धता है कि विश्व के जो पर्यावरण है उसको किस प्रकार से रख रखाव कहा जाए, और खास करके तिब्बत का जो पर्यावरण है जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली हुई हैं, जिससे कि भारत देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश इत्यादि देश उस पर निर्भर हैं, तो उस पर्यावरण को हमें बचाने की आवश्यकता है। उसके अलावा तिब्बत में जो भारत की बौद्ध संस्कृति गई है, जो कला संस्कृति वहाँ पर गई है उसको बचाना, तिब्बत के जो भारत से गई हुई जो जो एक प्रकार से देखा जाए चिकित्सा पद्धति है उसको रख रखाव करना, इसके अलावा शल्य चिकित्सा, बहुत सारी जो व्यवस्था की गई है उसको भी रख रखाव करना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण उनका एक कमिटमेंट है कि भारत की जो प्राचीन विद्या है उसको हमें प्रमोशन करना चाहिए, उसको रख रखाव करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत की प्राचीन अगर विद्या के बारे में बात करते हैं तो हमारे समथ, विपस्सना और जो खास करके जो प्रतिसमुद्भाव का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है भारत की बहुत ज़्यादा प्राचीन है, उसको हमें रख रखाव करना चाहिए। ये केवल और केवल किसी एक धर्म परंपरा की बात है, ऐसा नहीं है, विश्व के सभी लोगों के लिए वो हितकारी हो सकता है। और परम पावन बार बार कहते हैं कि भारत में वो क्षमता है कि निश्चित रूप से दुनिया को वो एक एक धागे में पिरो सकता है, सबको एक साथ लेकर के आ सकता है। नॉर्वे की जो नोबेल प्राइज कमेटी है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने परम पावन जी को इसके काबिल समझा, और निश्चित रूप से परम पावन जी इसके काबिल हैं। और एक भारतीय होने के नाते मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि परम पावन जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जब परम पावन जी को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो सकता है तो भारत का जो भारत रत्न है वो क्यों प्राप्त नहीं हो सकता है? भारत मूल के अलावा अन्य लोगों जैसे कि मदर टेरेसा जी को प्राप्त हुआ, तो परम पावन जी को भी ये पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। भारत सरकार परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न प्रदान करता है तो निश्चित रूप से भारत की छवि दुनिया में और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि परम पावन जी का जो जीवन है वो भारत में ही पूरा व्यतीत हुआ है। उसके अलावा उन्होंने भारत की जो संस्कृति है उसको देश विदेश में पहुंचाया है। भारत की संस्कृति में प्रमुख रूप से जो अहिंसा का सिद्धांत है, करुणा का सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन है, वो उन्होंने विश्व में फैलाया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से परम पावन जी इसके हकदार हैं। हम भारतीयों को उनके सम्मान के लिए ये पुरस्कार निश्चित रूप से देना चाहिए। पुनः परम पावन जी के इस नोबेल पुरस्कार के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ट्रस्ट दिलीप।